रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तार से हैं वो चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए। नर जनन तंत्र है वो कहाँ स्थित होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ नर जनन तंत्र की संरचना है वो प्रदर्शित की गई है। नर जनन तंत्र की संरचना को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, तो इस चित्र को बोर्ड पर एक बार ध्यान से देखिए कि नर जनन तंत्र की संरचना है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ कहाँ ये भाग हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद में हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले कि नर जनन तंत्र है वो श्रोणी क्षेत्र या पेल्विस रीजन में स्थित होता है। नर जनन तंत्र है वो पेल्विस रीजन या श्रोणी क्षेत्र में स्थित होता है। नर जनन तंत्र होता है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। नर जनन तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग आता है वो आता है प्राथमिक लैंगिक अंग है, उसमें वर्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्षण या टेस्टीज है वो पाए जाते हैं। दूसरा जो इसका भाग आता है वो आता है सहायक जनन अंगों में अधिवर्षण आता है। अधिवर्षण के बाद में आता है शुक्रवाहिनी के बाद में शुक्राशय और फिर आता है सीसन। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सहायक जनन ग्रंथियां दो पाई जाती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि है, वो सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे कि नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कौन सा है। प्राथमिक लैंगिक अंग मैंने बताया है वो पाए जाते हैं वर्षण। क्या पाए जाते हैं? वर्षण है वो पाए जाते हैं। वर्षण है टेस्टीज, इन इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टीज कहते हैं। वर्षण है वो एक जोड़ी वर्षण है वो उदर गुहा के निचले भाग में दोनों टांगों के मध्य है, वो संख्या में एक जोड़ी है वो पाए जाते हैं। यानी वर्षण है वो संख्या में एक जोड़ी होते हैं, अंडाकार है वो पाए जाते हैं, गुलाबी रंग की संरचना के पाए जाते हैं वर्षण। और हम बात करते हैं वर्षण के बारे में, जो वर्षण होता है वो वर्षण में दो पेशी स्तर है वो पाए जाते हैं। वर्षण में पहला बाहर की ओर जो पाया जाता है उस पेशी स्तर को हम बोलते हैं डोर्सटॉस पेशी स्तर, ये बाहर की ओर पाया जाता है। दूसरा पेशी स्तर होता है क्रिमेस्टर पेशी स्तर है, ये अंदर की ओर पाया जाता है। यानी वर्षण की संरचना में ये दो पेशी स्तर है वो पाए जाते हैं। वर्षण है वो वर्षण खोल के अंदर है वो पाए जाते हैं, ये उदर गुहा के साथ में वर्षण नाल के साथ में जुड़े होते हैं और इसी भाग से हैं जो धमनी और सिरा है और अन्य जो कोशिकाएं वो प्रवेश करने का कार्य करती है। अब हम वर्षण की जो सामान्य संरचना है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्षण की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं और इसकी TS और किस प्रकार से पाई जाती है। बोर्ड पर वर्षण की TS का नामांकित चित्र है वो दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे कि वर्षण की TS के कौन कौन से भाग हैं वो पाए जाते हैं और इसके वर्षण के ऊपर कौन कौन से आवरण हैं वो पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा है वो करेंगे। तो ये वर्षण की संरचना और कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षण की संरचना के अंदर जो सबसे बाहरी आवरण, दो आवरण पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्षण खोल। क्या बोलते हैं? वर्षण खोल बोलते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसका नाम होता है योनि के स्तर। जो अंदर वाला आवरण पाया जाता है उसका नाम है श्वेत कंचुक,
ये दो स्तर हैं वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, वर्षण के ऊपर है वो पाए जाते हैं। योनिक जो स्तर होता है इसका निर्माण है वो उदर गुहा के उदरावरण से होता है। योनिक स्तर का निर्माण है वो उदर गुहा के उदरावरण से ही होता है। दूसरा जो स्तर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक जो स्तर पाया जाता है ये स्तर है वो भीतर का स्तर होता है। श्वेत कंचुक स्तर, श्वेत कंचुक स्तर है वो भीतर का स्तर है वो पाया जाता है। और श्वेत कंचुक जो स्तर होता है इसका जो निर्माण, इसका जो निर्माण होता है वो तंतुमय संयोजी उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तंतुमय संयोजी उत्तक के द्वारा श्वेत कंचुक का निर्माण होता है। जो श्वेत कंचुक होता है वो अंदर की ओर धसकर वर्षण पट्टियों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वर्षण पट्टियों का निर्माण है वो करता है। और लगभग 400 से 500 जगह ये अंदर धसकर वर्षण पित्तक का निर्माण करता है, सेप्टा का निर्माण है वो करता है। और ये लगभग जो वर्षण पिंडक इस आकृति के पाए जाते हैं, और एक जो वर्षण पिंडक है उसके अंदर लगभग दो या तीन है वो पाई जाती है शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये शुक्र जनन नलिकाएं इन्हें कहा जाता है। दूसरा नाम होता है रेता नलिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। क्या नाम है दूसरा? रेता नलिकाएं वो कहा जाता है। शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनके चारों ओर जो ये स्तर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टीनिया प्रोपिया। टीनिया प्रोपिया का स्तर है वो पाया जाता है। टीनिया प्रोपिया है, इसके चारों ओर जो स्तर पाया जाता है उसे हम कहते हैं जनन उपकला। क्या कहा जाता है? जनन उपकला का स्तर है वो पाया जाता है। जो जनन उपकला का स्तर होता है उस जनन उपकला के स्तर में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। पहली कोशिका होती है शुक्राणुजनी, शुक्राणुजनीय कोशिका, और दूसरी का नाम है सर्टोली कोशिका या आलंबन कोशिका या धात्री कोशिका है वो पाई जाती है। यहां हम पहली के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पहली जो सेल्स होती है ना उसके कौन कौन से भाग होते हैं। शुक्राणुजनीय, शुक्राणुजनीय जो सेल्स हैं ये शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणुजनीय सेल्स हैं वो शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करेगी? शुक्राणुओं का निर्माण। दूसरी है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स या जो आलंबन कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं? ये इनका जो मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य। दूसरा जो कार्य होता है ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH हार्मोन, इसका प्रतिरोध करने का क्या कार्य करती है? क्यों? क्योंकि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एक इनहिबिन नामक प्रोटीन या हार्मोन का स्राव किया जाता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या करता है? प्रतिरोध करने का कार्य करता है। तो सर्टोली सेल्स हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेंगी, इनहिबिन नामक प्रोटीन या हार्मोन का स्राव करेंगी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है ये, ठीक है। तो ये दो कोशिकाएं थी जनन उपकला स्तर के अंदर। फिर हम आगे बात करते हैं वर्षण की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, लंबाई चौड़ाई है वो किस प्रकार की वर्षण की होती है। वर्षण है मैंने बताया उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया, उदर गुहा के निचले भाग में पाया जाता है। सामान्यतः इसकी जो लंबाई है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटा होता है 4 से 5 सेंटीमीटर है वो मोटाई का होता है, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर है वो लंबा होता है, और लगभग 10 से 15 ग्राम है वो भार वाली संरचना है वो वर्षण की पाई जाती है। यानी ये वर्षण के सामान्य पॉइंट होते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि
जो वर्षण खोल पाया जाता है उसका श्वेत कंचुक जो छिद्र होता है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं आंत्राली या लीडिंग कोशिकाएं। आंत्राली या लीडिंग कोशिकाएं, इनके द्वारा नर हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टोरेन हार्मोन। टेस्टोस्टोरेन हार्मोन का क्या किया जाता है, अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टोरेन हार्मोन का स्राव है वो किया जाता है। इस हार्मोन के क्या कार्य है, पहला कार्य होता है नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का मतलब क्या होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का मतलब ये होता है कि जैसे आवाज का भारी होना है, दाढ़ी मूंछ आना है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होना है और मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण का पाया जाना है, ये द्वितीय गौण लैंगिक है। दूसरा है सहायक जनन ग्रंथियों का निर्माण है वो इस हार्मोन के प्रभाव से ही होता है, इससे हार्मोन के प्रभाव से ही ये प्रभाव है वो पाया जाता है। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था नर जनन तंत्र का, जिसे हम कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं, वर्षण है वो कहा जाता है, यानी वर्षण है वो पाया जाता है। अब इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है अधिवर्षण। क्या नाम है, अधिवर्षण। अधिवर्षण का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अधिवर्षण है, इसके तीन भाग हैं वो पाए जाते हैं। पहला जो भाग होता है उसका नाम होता है शीर्ष अधिवर्षण, शीर्ष अधिवर्षण। दूसरा है मध्य अधिवर्षण। तीसरा जो भाग पाया जाता है जिसका नाम होता है पुच्छके अधिवर्षण। ये तीन भाग है वो किसके पाए जाते हैं, अधिवर्षण के पाए जाते हैं। शीर्ष अधिवर्षण होता है ये भाग है जो अपवाही नलिकाएं होती हैं वो शीर्ष अधिवर्षण में आके खुलेगी। ये मध्य का भाग होता है, ये पुच्छक लास्ट का भाग है वो पुच्छक अधिवर्षण है वो कहलाता है। अधिवर्षण है उसका, अधिवर्षण की जो लंबाई है वो सामान्यतः पाई जाती है 6 मीटर। 6 मीटर लंबी नलिका होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है और कोमा की आकृति की संरचना है वो पाई जाती है। किसकी, अधिवर्षण की संरचना है वो पाई जाती है। अधिवर्षण है वो, इसका जो मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को पोषण व परिवर्धन, शुक्राणुओं का पोषण व परिवर्धन की जो क्रिया है वो कहाँ पे होती है, अधिवर्षण में। दूसरा कार्य होता है शुक्राणुओं का अस्थाई संग्रह, शुक्राणुओं का अस्थाई संग्रह वो कहाँ होता है, अधिवर्षण में पाया जाता है। अधिवर्षण से में शुक्राणुओं के योग्यतार्जन की क्रिया भी होती है। योग्यतार्जन की क्रिया का मतलब होता है प्रारंभ से ही शुक्राणुओं में अंडाणुओं को भेदन की क्षमता नहीं पाई जाती। भेदन का मतलब है कि जो अंडाणु होता है उसमें दो परत पाई जाती है, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा। इन परतों को भेद कर ही शुक्राणु क्या कर सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है। इसके लिए क्या है, शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करे वो योग्यतार्जन की क्रिया है वो कहाँ पे होती है, एपिटीडाइमस या अधिवर्षण में ये क्रिया है वो संपादित होती है। यानी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और अधिवर्षण से शुक्राणु प्राप्त करके उनका अंडाणु से निषेचन करवाया जाए तो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन है वो आसानी से हो सकता है। क्यों हो सकता है, यहाँ शुक्राणु है अधिवर्षण में योग्यतार्जन की क्रिया है वो क्या संपादित कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था अधिवर्षण, ये सहायक जनन अंग या द्वितीय लैंगिक अंगों में आता है। और इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, पहला सहायक जनन अंग में हो गया हमारा अधिवर्षण, और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा शुक्रवाहिनी। क्या आएगा, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी एकदम इजी पॉइंट है, शुक्रवाहिनी एक 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। 45 सेंटीमीटर क्या है, लंबी नलिका होती है शुक्रवाहिनी 45 सेंटीमीटर। दूसरा जो पॉइंट आता है कि जो शुक्रवाहिनी है उसमें कूट स्थित उपकला उत्तक का आवरण है वो पाया जाता है। उपकला उत्तक का जो आवरण है वो भीतरी आवरण पाया जाता है। इसकी कुछ कोशिकाएं हैं वो तरल का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं, तरल का स्राव करती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो शुक्रवाहिनी है उसका जो स्तर होता है ना वो
नम बना रहता है और जिसमें तरंग गति उत्पन्न होने के कारण से जो शुक्राणु हैं वो क्या करते हैं आगे की और क्या करते हैं गति करने का कार्य करते हैं। यानी ये शुक्रवाहिनी का एक विशेष कार्य है। शुक्रवाहिनी का जो एक भाग होता है फुला हुआ जो तुम्बिका कहलाता है और तुम्बिका भाग में ही क्या होता है शुक्राणुओं का अस्थाई संग्रह है वो क्या किया जाता है कौन से भाग में किया जाता है तुम्बिका भाग में शुक्राणुओं का अस्थाई संग्रह वो किया जाता है। दूसरी जो बात होती है कि जो शुक्राशय होता है शुक्राशय में जो शुक्राणु है वो संग्रह किया जाता है। संग्रह करने का मतलब क्या होता है शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं को आगे ले जाएगी क्या ले जाएगी शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को जो आगे ले जाने का कार्य करेगी। यहाँ पे क्या होता है इसमें जो कोशिकाएं वो तरल पदार्थ का स्राव करती हैं तरल पदार्थ का जिसे शुक्राणु है वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब यदि यहाँ इसको काट के रबर की नलिका लगा दी यहाँ पे क्या लगा दी रबर की नलिका लगा दी तो क्या शुक्राणुओं का परिवहन उसी प्रकार से होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि शुक्राणुओं के परिवहन के लिए यहाँ पे क्या है कि कूट स्तरीय उपकलाओं तक पाया जाता है उसकी कोशिकाएं तरल पदार्थ का स्राव। यहाँ पे जो हमने नलिका लगाई है उसके द्वारा तरल पदार्थ का स्राव है वो नहीं किया जाएगा और शुक्राणु है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है यदि हम शुक्रवाहिनी को काट कर यहाँ धागे की सहायता से क्या कर दें इसको बांध दें धागे की सहायता से इसको बांध दें दोनों ओर की शुक्रवाहिनी है उसको काट कर हमने क्या किया यहाँ धागे की सहायता से बांध दिया तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी यानी शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन है वो नहीं हो पाएगा। इस क्रिया को है वो नर नसबंदी के नाम से जाना जाता है। ये एक कृत्रिम विधि आती है जनसंख्या नियंत्रण की कृत्रिम विधि के अंतर्गत इसका हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं तो इसे हमें वैसेक्टोमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं वैसेक्टोमी भी कहते हैं। इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट है वो पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है शुक्राशय। क्या होता है शुक्राशय शुक्राशय क्या होता है देखो ये जो शुक्राशय दिखाए गए हैं दोनों और क्या दिखाए गए हैं शुक्राशय ये एक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है जो मूत्राशय के पश्च तल पर स्थित होती है इसके द्वारा वीर्य का लगभग 60-70% भाग है वो बनाया जाता है। सीमन वीर्य का 60-70% भाग है वो शुक्राशय के द्वारा बनाया जाता है और वीर्य गाढ़ा श्यान क्षारीय तरल होता है जिसकी पीएच है वो लगभग होती है 7.4। वीर्य की पीएच है 7.4 होती है और इसमें फ्रक्टोज शर्करा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन सेमिनिजिमिन और आदि पाए जाते हैं। फ्रक्टोज है वो शुक्राणुओं को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वीर्य की क्षारीय प्रवृत्ति की क्षारीय जो प्रवृत्ति होती है इसके कारण जो शुक्राणु है वो अम्लीय माध्यम में योनि का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है अम्लीय माध्यम पाया जाता है और उस माध्यम के अंदर ये शुक्राणु है वो नष्ट नहीं होते हैं। ये कार्य होता है शुक्राशय का। तो शुक्राशय एक जोड़ी पाए जाएंगे और ये पश्च तल पर पाए जाते हैं मूत्राशय के। अब इसके बाद में चौथे भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे पेनिस और सीसन पेनिस और सीसन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेनिस या जो सीसन की संरचना है वो यहाँ बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रही है ये पेनिस होता है। क्या होता है पेनिस होता है। पेनिस क्या होता है मूत्र मार्ग एक मांसल और नलिकाकार संरचना में पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं पेनिस कहते हैं। पेनिस जो होता है नलिकाकार और एक क्या होती है मांसल संरचना है वो पाई जाती है। सीसन नर में मेथुनांग का कार्य करता है मेथुन का मतलब क्या होता है मेथुन का मतलब होता है जब नर का जो मेथुन अंग होता है वो मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को पहचानने का कार्य करता है। दूसरी होती है सहवास
सहवास का मतलब होता है जब नर और मादा है वो लैंगिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सहवास। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों की संलयन की क्रिया है, वो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो हम पढ़ रहे थे पेनिस के बारे में, ये एक लंबा और बेलनाकार संरचना के रूप में पाया जाता है जो कि नर में दोनों टांगों के बंधे है वो स्थित होता है, मैथुन अंग के रूप में स्थित होता है। जो बॉडी ऑफ पेनिस है, शीशन काय है, वो तीन अनुलंब डोरियों से बना होता है। अब यहां ब्लैक बोर्ड पर आपको शीशन की टीएस ऑफ है वो पेनिस दिखाई दे रही है, टीएस ऑफ पेनिस दिखाई दे रही है। इसको देखिए, टीएस ऑफ पेनिस में आपको इसमें तीन अनुलंब डोरियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। दो अनुलंब डोरियां हैं जो पृष्ठवर्ती भाग में पाई जाती हैं, दो अनुलंब जो डोरियां होती हैं वो पाई जाती हैं पृष्ठवर्ती भाग में, और एक एक है वो पाई जाती है आधारवर्ती भाग में। एक अनुलंब जो डोरी होती है वो पाई जाती है आधारवर्ती भाग में, दो पृष्ठवर्ती भाग की जो डोरियां हैं उसका नाम होता है कार्पोरा केवरनोसा, केवरनोसा, ठीक है। ये दो डोरियां हैं जो पृष्ठवर्ती भाग में होती हैं, और अधरवर्ती भाग की जो डोरी है उसको कार्पस स्पंजियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस स्पंजियोसोम कहा जाता है। ये डोरियां हैं वो पाई जाती हैं। सामान्य अवस्था में जो शीशन की ये तीनों डोरियां होती हैं, इनके जो रक्त कोटर है वो खाली रहते हैं। इस समय शीशन शीतल तथा छोटा होता है, और इस समय केवल इससे केवल मूत्र ही है वो बाहर निकलता है। यानी कहने का मतलब है सामान्य अवस्था शिथिल अवस्था होगी तो इसके तीनों अनुलंब डोरियां हैं वो रक्त पात्र खाली रहेंगे, और सामान्य अवस्था में शीशन है वो बना रहेगा। जब उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड अवस्था आएगी, मैथुन के प्रति इच्छा है वो जागृत होगी, तो शीशन के जो तीनों अनुलंब डोरियां हैं इनमें रक्त कोटर है वो भरे जाएंगे, और जिससे शीशन है वो एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में मादा के योनि मार्ग में ये शुक्राणुओं को क्या करेगा? पहुंचाने का कार्य करेगा, और इसी दौरान है इस मार्ग द्वारा शुक्राणु है वो बाहर निकलते हैं। यानी जो शुक्राणु है वो बाहर निकलते हैं वो केवल एक्साइटेड या उत्तेजित अवस्था में ही बाहर निकलते हैं। शीशन में रुधिर परिसंचरण है, रुधिर परिसंचरण पर ये निर्भर करता है कि जो शीशन है वो उत्तेजित अवस्था में आएगा, और शीशन मैथुन के समय उत्तेजित अवस्था में योनि में गहराई तक प्रवेश कर जाता है, जिससे मैथुन के समय निकले शुक्राणु गर्भाशय में आसानी से पहुंच सके। शीशन का जो छिद्र होता है उसे हम पेनाइल कहते हैं। जो पेनिस होता है इसके अग्र भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे पेनाइल कहा जाता है, और शीशन के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है उसे शीशन मुंड कहते हैं, और ये मैथुन के समय इसके ऊपर अंतर्वलित हो जाती है शीशन के ऊपर, और सामान्य अवस्था में शीशन मुंड के ऊपर ये पाई जाती है। यानी शीशन का जो अग्र भाग होता है वो फूला हुआ पाया जाता है, इस भाग को हम शीशन मुंड है वो कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीशन मुंड। यानी कहने का मतलब है शीशन का सीधा या उत्तेजित अवस्था में आना है वो रुधिर परिसंचरण की क्रिया पर क्या करता है? निर्भर करता है, और ये योनि मार्ग में शुक्राणुओं को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। ये भाग था शीशन के बारे में हमने पढ़ा है। शीशन हमें पता है नर में पाया जाता है और उदर गुहा के बाहर होता है, दोनों टांगों के मध्य स्थित होता है, और ये जो होता है इसमें तीन है वो डोरियां हैं वो पाई जाती हैं, जिन्हीं की सहायता से जो प्रोसेस है आगे की वो संपादित होती है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट में, पहला पॉइंट आएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करेंगे। मूत्राशय के आधार भाग पर पांच पिंडों से बनी एक ग्रंथि पाई जाती है,
जिसकी आकृति होती है सिंघाड़े की आकृति की, बड़ी ग्रंथि होती है। और संख्या में ये ग्रंथि कितनी होती है? एक पाई जाती है, यानी एक ग्रंथि है वो मूत्राशय के आधार भाग पर पाई जाती है। और ये प्रोस्टेटिक द्रव का स्रावित, द्रव स्रावित करती है। तो दूधिया गाढ़ा, इसके इसमें मुख्यतः लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, फास्फेट, सिट्रेट आदि पाए जाते हैं। और ये वीर्य का लगभग 25-30% है वो भाग बनाने का कार्य करती है, और जो शुक्राणुओं को क्या करता है, सक्रिय रखने का कार्य। अब हम बात करते हैं ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसका आकार बढ़ जाए, क्या हो जाए, इसका आकार बढ़ जाए तो क्या होता है, मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है? बाधा। जो जो व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने से क्या होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ेगा, और प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने से क्या होगा, व्यक्ति को मूत्र त्याग में बाधा उत्पन्न होगी। और इसलिए क्या किया जाएगा, इस प्रोस्टेट ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, पृथक है वो कर दिया जाता है। यह था हमारा पॉइंट प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है काउफर ग्रंथि। काउफर ग्रंथि, काउफर ग्रंथि, काउफर जो ग्रंथि होती है वो एक जोड़ी होती है। देखो यहां पे दिखाई दे रही है, ये एक जोड़ी काउफर ग्रंथि है, वो प्रोस्टेट के नीचे है वो स्थित होती है। प्रोस्टेट के नीचे पाई जाती है ये ग्रंथि, एक जोड़ी संख्या में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा भी क्या होता है, क्षारीय पारदर्शी तरल पदार्थ का स्राव है वो किया जो पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखना, मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखना। ये तरल मादा की योनि को चिकना कर मिथुन क्रिया को क्या करता है, सुगम बनाने का कार्य करता है। मिथुन का मतलब होता है नर के जनन अंग और मादा के जनन अंग जब आपस में संपर्क में आते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, मिथुन की क्रिया है वो कहा जाता है। तो ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है, क्षारीय तरल का क्या करेगा, स्राव करने का कार्य करेगा, क्योंकि मूत्र की जो पीएच है उसको ये कम करने का कार्य करता है, क्योंकि मूत्र मार्ग के अंदर जो शुक्राणु है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट था नर जननी तंत्र, नर जनन तंत्र के बारे में हमने एकदम जीवे के अंदर है वो बातें की है। मैं दोबारा एकदम संक्षेप में इसको रिपीट करता हूं, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में और देखिए, नर जनन तंत्र है वो पेल्विस रीजन में पाया जाएगा, पेल्विस रीजन या श्रोणि क्षेत्र में, यानी ये जो नीचे का क्षेत्र होता है ये श्रोणि क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र के अंदर है वो नर जनन तंत्र है वो पाया जाता है। नर में प्राथमिक जो लैंगिक अंग है उसको हम बोलते हैं वर्षण, क्या बोलते हैं, वर्षण कहा जाता है। वर्षण हमें पता है ये एक जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं, एक जोड़ी है वो पाए जाते हैं। और वर्षण है इसमें एक वर्षण में आंतराली या लीडिंग कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, आंतराली या लीडिंग कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिनके द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्राव है वो किया जाता है, जिसका कार्य है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। जैसे हम देखते हैं नर में 13-14 वर्ष की आयु के मध्य यौनारंभ या प्यूबर्टी की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। इस समय नर में क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण से क्या होता है, कुछ नवीन लक्षण है वो नर में दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों में मैंने आपको बताया कि जैसे आवाज का भारी होना, त्वचा का सख्त होना है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होना है, जनन अंगों का विकास होना है, और उसके बाद में होता है शुक्राणुओं की क्रिया है वो प्रारंभ होना है, मादा की और मनोवैज्ञानिक आकर्षण का पाया जाना है। ये लक्षण है वो नर में प्यूबर्टी या यौनारंभ के समय दिखाई देने लगते हैं, और इसी समय ये परिवर्तन है वो होते हैं। दूसरा जो मैंने कार्य किया बताया वो है जनन ग्रंथियों का विकास। क्या कार्य है, जनन ग्रंथियों का विकास करने का जो कार्य है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है, इसे हम जनद हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनद हार्मोन। दूसरा एक विशेष पॉइंट आता है वर्षण में, वर्षण में जो जनन उपकला है उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली कोशिका होती है शुक्राणुजनी और दूसरी कोशिका का जो नाम होता है
वो होता है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुजनीय जो सेल होती है वो क्या करती है, शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण, और सर्टोली कोशिका है वो क्या करेगी, वो इनहिबिन नामक प्रोटीन का स्राव करेगी, जिसका कार्य होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रतिरोध करने का कार्य। ये कार्य है सर्टोली सेल्स का, जो कार्य है वो पाया जाता है। कौन सी सेल का, सर्टोली सेल्स का कार्य है वो पाया जाता है। ये हमारा पॉइंट था पहला। दूसरा पॉइंट में मुख्य जो प्रश्न बन रहे हैं वो बता रहा हूं, जो द्वितीय लैंगिकंग या सहायक जनन लैंगिकंग है उनमें पहला जो पॉइंट आता है अधिवर्षण। ये जो भाग है देखो ये अधिवर्षण है, अधिवर्षण है। 6 मीटर लंबी नलिका अत्यधिक कुंडलित होती है और इसमें अधिवर्षण में शुक्राणु का स्थायी संग्रह होगा, योग्यता अर्जन की क्रिया पाई जाएगी। फिर अगला जो पॉइंट आता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी है 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, दोनों ओर पाई जाएंगी एक जोड़ी, इसके द्वारा क्षारीय तरल का स्राव है वो किया जाएगा। और इसके अंदर एक विशेष पॉइंट आता है कूट स्तरी स्तंभा उपकला उत्तक पाया जाता है, जिसमें कुछ कोशिकाएं तरल पदार्थ का स्राव करेंगी और जिसके कारण से यहाँ तरंग गति उत्पन्न होगी और शुक्राणु है वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, शुक्रा से एक जोड़ी होते हैं, क्षारीय तरल का स्राव किया जाता है। तुम्बिका के अंदर ये जो पार्ट आता है एम्ब्यूला या तुम्बिका, इसके अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है, अस्थायी संग्रह किया जाता है। फिर इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला भाग है वो आता है इसमें यहाँ पे प्रोस्टेट ए सीसन, सॉरी सीसन आता है, सीसन है वो लंबा और बेलनाकार एक मसल संरचना पाई जाती है, जो क्या है एक मेथुन अंग के रूप में कार्य करता है, जो मादा के योनि मार्ग में शुक्राणुओं को क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, नर जनन अंग, नर जनन अंग। मेथुन मेथुन अंग का नाम होता है पेनिस, क्या नाम होता है, पेनिस पाया जाता है नर में, ये शुक्राणुओं को पहुंचाने का। सीसन है वो एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में आना किस पर निर्भर है, 3 अनुलंब डोरियां होती है उन पर निर्भर करता है, जब रक्त गोटर भर जाएंगे तो एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में आएगा, और जब तीनों अनुलंब डोरियों में ब्लड नहीं होगा तो ये सामान्य या शिथिल अवस्था में पाया जाता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है जो सीसन है उसका उत्तेजित अवस्था में आना या सामान्य अवस्था में रहना ये रुधिर परिसंचरण की क्रिया पर क्या है, निर्भर। फिर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, सिंगाड़े की आकृति की ग्रंथि होती है, मूत्राशय के समीप नीचे पाई जाती है, क्षारीय तरल का स्राव करेगी ये भी, और संख्या में एक है। फिर आती है काफर या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, ये संख्या में एक जोड़ी होती है, दो पाई जाती है, क्षारीय तरल का स्राव करेगी, मैथुन क्रिया के समय ये योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करेगी। ये कार्य होता है काफर ग्रंथि का। तो आज के वीडियो में हमने नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एकदम इजी वे में अध्ययन किया है। यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हो तो आपको नर जनन तंत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं रही, फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।